हिंदुओं की स्थिति पाकिस्तान में क्या है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। आए दिन जबरन धर्म परिवर्तन और अपहरण की घटनाओं से सारी दुनिया वाकिफ है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान में आज भी एक शहर ऐसा है जहां मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं की जनसंख्या है। इस शहर से कभी भी किसी हिंसा या धर्म परिवर्तन की खबर नहीं आती है। हिंदू बहुल आबादी वाले इस पाकिस्तानी शहर का नाम है मीठी, और ये शहर पाकिस्तान के थारपारकर जिले में मौजूद है। मीठी शहर पाकिस्तान के लाहौर से लगभग 875 किलोमीटर दूर है। भारत के गुजरात की राजधानी अहमदाबाद से ये शहर 340 किलोमीटर दूर है। इस शहर की खास बात है यहाँ देखने को मिलने वाली हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल। इस शहर की कुल आबादी 87,000 है। शहर की आबादी का 80% हिंदू हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान की कुल आबादी का 97% मुसलमान है। बताया जाता है कि इस शहर में जब भी कोई धार्मिक आयोजन या त्योहार मनाया जाता है तो हिंदू और मुसलमान मिलकर उसे मनाते हैं। मीठी शहर में दिवाली और ईद को यहाँ के लोग मिलजुल कर मनाते हैं। जहाँ इस शहर में हिंदू लोग मुहर्रम के जुलूस में शामिल होते हैं, तो वहीं इस शहर के मुसलमान भी हिंदुओं का सम्मान करते हुए कभी भी गाय नहीं काटते हैं और ना ही गौमांस खाते हैं। हिंदू भी मुसलमानों के साथ मिलकर रोजे रखते हैं। बात अगर क्राइम रेट के बारे में की जाए तो पाकिस्तान के किसी भी दूसरे शहर या इलाके से इस शहर का क्राइम रेट बिल्कुल कम है। इस शहर में अपराध दर महज 2% है। खास बात यह है कि शहर में किसी भी तरह की धार्मिक असहिष्णुता देखने को नहीं मिलती है। पाकिस्तान के इस इकलौते हिंदू बहुल शहर में कई मंदिर मौजूद हैं। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है श्री कृष्ण का मंदिर। जब भी इस मंदिर में पूजा की जाती है तो मस्जिद में लाउडस्पीकर पर अजान नहीं दी जाती है, वहीं जब अजान होती है तो मंदिरों में भी घंटियां नहीं बजाई जाती हैं। बताया जाता है कि 1971 में हुए भारत पाक युद्ध के दौरान जब भारतीय सेनाएं मीठी तक पहुंची तो यहाँ के मुसलमान रातों रात ये शहर छोड़कर भाग गए, लेकिन बाद में इलाके के हिंदुओं ने उन्हें वापस आने के लिए मनाया। उसके बाद से ही इस शहर में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जबरदस्त भाईचारा कायम हो गया। स्पेशल डेस्क, खबर चौराहा।